बैठते उठते चलते सुपन सोवत जागृत खाते पीते खेलते सुख लीजे सब विदईत सुख लीजे सब विदईत ए बल जब तुम किया प्राणेश्वर अक्षरातीत ने परिक्रमा ग्रंथ में आज एक पहेली हमारे सामने खड़ी कर दी है। अध्यात्म की इस पहेली को सुलझाना बहुत ही आवश्यक है। वाणी क्या कह रही है? खाते पीते उठते बैठते खेलते सोते जागते सुख लेना है परमधाम का, कैसे संभव? आप खेल रहे हैं तो मन तो खेलने में लगा रहेगा, सोते हैं तो कैसे राज्य में मन लगा रहेगा? क्या यह संभव है? सामान्य रूप से सुंदर साथ इसका अर्थ यही लगा लेगा, उठते बैठते सोते जागते हमेशा राज समय करते रहिए तो सुख मिल जाएगा, और कोई चारा उनको दिखता ही नहीं। आगे कह रहे हैं कि जब आपने ऐसा कर दिया तो परिणाम क्या होगा, क्योंकि ये इस प्रकरण की शुरुआत होती है इस उपजे का प्रकरण। तुमको इस उपजाओ ने करूं सो और उपाय अनेक उपाय पूर चलाऊं प्रेम को सोया ही में छक छका। कौन कह रहा है? स्वयं अक्षरातीत कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर प्रेम मुझे पैदा करना है, क्योंकि परिक्रमा की पहली चुपाई किससे शुरू होती है? अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत सच्चा। इस परिक्रमा ग्रंथ को इलाही दुल्हीन कहा गया है। इलाही दुल्हीन का तात्पर्य क्या है? अखंड दुल्हीन, अखंड परम धाम की अखंड जो अर्धांगिनी है। दुल्हीन का तात्पर्य क्या है? अखंड जो अर्धांगिनी है। श्री किताब परिक्रमा अखंड दुल्हीन जो ये उत्तरीय है इसको उपमा दी गई है। परम धाम की अखंड स्वरूपा आत्माओं के लिए ये परिक्रमा ग्रंथ उसी तरह से अखंड दुल्हन के रूप में है जो उनको अखंड दुल्हन की गरिमा प्रदान करती है। वो परम धाम की परमात्मा क्या कहलाएगी जो अपने घर को न देखे? जिस रंग महल में मूल मिलावे में उसकी सुरता बैठी है, उस सुरता को, उस मूल मिलावे को न देखी हो। वाणी का कथन क्या है? इलम हक का सुनते ही इश्क न आया जिन, तिनको नसीहत जिन करो वो नहीं मतलब मोमिन। परम धाम का ज्ञान सुनाने के बाद जिसके हृदय में प्रेम नहीं आता उसको नसीहत मत दो, सिखापन मत दो, वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है। तो आप जितने सुंदर साथ बैठे हैं मैं पूछूं कि क्या आपके पास इश्क है, तो इस आधार पर तो चर्चा नहीं करनी चाहिए। यह बात कब कही गई है? बहुत व्यथित होकर के यह बात कही गई है। इश्क हक का सुने थी इश्क नया जिन, तिनको नसीहत जिन करो वो नहीं मुतलक मोमिन। वो माया का जीव है, उसको सिखापन देने की जरूरत नहीं है, उसको चर्चा सुनाने की जरूरत नहीं है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है, उसको माया में लिप्त रहने दो। लेकिन इश्क के लिए तो सभी प्रयास कर रहे हैं। इश्क मांगे रोए रोए, राज जी ने क्या कहा है? लाओ प्यार करो दीदार, इन भी देने ईमान उपजाओ ने इश्क, सो इश्क बिना न पाइए ये जो नूर तो जल रहा है। इश्क से राज जी का दीदार होगा। इस माया के संसार में जब हम देखते हैं तो इल्म दे दिया गया है, दे इलम करी बेशक हंसी करी रुहन पर दे इलम बेशक मासूक हंसकर तब मिले जब हके दिया इश्क। इल्म दे दिया है और आज जी हंस रहे हैं। कैसे हंस रहे हैं? कि जैसे कोई व्यक्ति किसी को पढ़ा दिया जाए
कि स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर है या श्रीनगर बहुत सुंदर है, शिमला बहुत सुंदर है, कभी देखने को ना मिले हो, फोटो भी ना मिला हो, थोड़ी सी कुछ हल्की चित्रावली मिल गई हो, कुछ चित्र मिल गए हो, किताबें की किताबें बड़ी बड़ी पढ़ा दी गई कि शिमला में ये चीज़ सुंदर है, श्रीनगर में ये सुंदर है, स्विट्जरलैंड में ये विशेषता है, और किताबों को पढ़कर रट्टा लगाया जा रहा हूँ, बार बार कहा जा रहा हूँ, तो जो वहाँ का रहने वाला होगा क्या सोचेगा, ये कितने पागल हैं, इन बेचारों को देखने को नहीं मिला, केवल रट्टा लगाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। दे इलम करी बेशक, राज्य ने इल्म से बेशक कर दिया, विरह नहीं दिया, हाँसी करी रुहन पर दे इलम बेशक, या संशय रहित करने वाला ज्ञान राज्य देकर सबकी हंसी कर रहे हैं, लेकिन राज्य से मिलन कब होगा, मासूक हंसकर तब मिले जब हके दिया इसका, प्रेम नहीं तो राज्य से मिलन नहीं होगा, राज्य का दीदार नहीं होगा, 25 पक्षों का दीदार नहीं होगा। हम 25 पक्षों का वर्णन पढ़ते हैं, कई वृत्तियां पढ़ते हैं, यहां से भी कई वृत्तियां छप गई हैं, नक्शे छपते हैं, करना चाहिए, क्योंकि प्रेम का प्राण क्या है, ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। देखिए ज्ञान दो तरह का होता है, एक तो बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया हुआ ज्ञान, और एक आत्मचक्षुओं से प्रत्यक्ष अनुभूत किया हुआ ज्ञान। कबीर जी वेद नहीं पढ़े थे, लेकिन वेद की बातों को समाधि अवस्था में जानते थे। एक सुंदर साथ का वह वर्ग होता है जो हजारों चौपाइयां कंठस्थ किए होता है, धारा प्रवाह बोलता है, सुनने वाले मंत्रमुग्ध होते हैं, वो 25 पक्षों का वर्णन करता है, नक्ष से सिख तक राज्य श्यामाजी की शोभा का वर्णन करता है, लेकिन उससे जब पूछा जाता है कि क्या तुमने देखा है, तो कहेगा कि नहीं, क्यों नहीं दीदार हुआ, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा बुद्धि विलास में लग गई। संतुलन क्या है, इश्क का प्राण है इल्म, और इल्म का प्राण है इश्क, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ए इश्क ए इल्म दो हक न्यामत, ये राज्य की निधियां हैं। इश्क क्या करता है, वहदत में गर्क कर देता है, डुबो देता है, और इल्म से उसका स्वाद आता है। स्वाद आने का तात्पर्य क्या है, जैसे ठेले पर कोई चीज बिक रही हो और आप ठेले वाले से कहिए कि मैं तब खरीदूंगा जब मुझे चखा दो, तो क्या करेगा, खाने वाली चीज को चम्मच से थोड़ा सा लेकर के चखा देगा, पूरा देगा नहीं, और उसका स्वाद जब आपके जीवा पर आएगा तो आप कहेंगे कि हाँ मैं खाऊंगा। यदि वो चखाए नहीं तो आपके मन में संशय बना रहेगा कि ये नहीं खरीदना है, यही कहानी है। इल्म लज्जत देता है, स्वाद देता है कि हमारा परम धाम कैसा है, राज्य कितने सुंदर हैं। जब हम राज्य के होठों को वर्णन पढ़ते हैं, मुखारविंद का वर्णन करते पढ़ते हैं, चरण कमल का वर्णन पढ़ते हैं, हृदय कमल का वर्णन पढ़ते हैं, तो इच्छा तो होगी कि अवश्य देखें। आप देखिए इस संसार में सौंदर्य की पूजा अवश्य होती है, सौंदर्य घृणा करने की वस्तु नहीं है, सौंदर्य का विकृत प्रयोग होता है वही विध्वंस को जन्म देता है। हमारी बहन कितनी भी सुंदर हो, हम उसके साथ हंसे बोलेंगे लेकिन मनोविकार नहीं पैदा होगा, क्यों, क्योंकि हमारी भावना पवित्र है। आप सौंदर्य को देखिए लेकिन उस सौंदर्य में परमात्मा की छवि को देखिए कि जिसकी रचना, जिसने इसकी रचना की वो स्वयं कितना सुंदर होगा। इसलिए वेद में क्या कहा गया है, स्वरूप कृत्रिम होते है, सौंदर्य का निर्माता कहा गया है परमात्मा को। वेद में सौंदर्य के प्रति घृणा प्रकट नहीं की गई है। सौंदर्य का मूल स्रोत कौन है, परब्रह्म। हाँ दो सौंदर्य है, एक हृदय का सौंदर्य है, एक त्वचा का सौंदर्य है। त्वचा के सौंदर्य की अपेक्षा हृदय का सौंदर्य ज्यादा मूल्यवान होता है। त्वचा का सौंदर्य अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण है हृदय का सौंदर्य। संसार में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं बनी है। यदि किसी का हृदय इतना पवित्र है तो उससे एक दिव्य आभा प्रकट होती है जो उसके चेहरे पर झलकती रहती है। तो आप सोचिए,
अक्षरातीत का स्वरूप कितना होगा, अनंत सूर्यों से भी प्रकाशवान। वेद में क्या कहा गया है कि हे परमात्मा तेरी कांत, नमस्ते विद्युते, नमस्ते प्राण विद्युते, तेरी कांत विद्युत की चमक के समान है। विद्युत की चमक तो कुछ भी नहीं, अरबों खरबों बिजलियों की चमक उतनी नहीं है जितने की राज्य के मुखारविंद की चमक है। बिजली तो एक जड़ पदार्थ है, अग्नि तत्व है। अनंत सूर्यों का तेज उस राज्य के चरण कमलों के तेज के सामने कुछ भी नहीं होता। आप सोचेंगे कि जिस अक्षरातीत में इतना अनंत सौंदर्य भरा है उसकी एक झलक पाले तो क्या संसार हमें बांध पाएगा। जब परम धाम का ज्ञान पाने के बाद हम संसार में रहना पसंद नहीं करते तो जिसको चितवनी का रस मिल जाएगा वो इस संसार के मोह जाल में क्यों फंसा रहेगा। संसार के विषय की ज्वाला ऐसी है, वनों में रहने वाले लोगों को देखिए, आप अफ्रीका के हबसी लोगों को देखिए, या तमिलनाडु में जाइए बहुत दक्षिण की तरफ गर्मी पड़ती है, वहाँ त्वचा का सौंदर्य तो नहीं होता, लेकिन वहाँ के लोग मांस मछली शराब का सेवन अधिक करते हैं। तो इसका तात्पर्य ये नहीं होता, हम सोचेंगे कि इंग्लैंड के लोग गोरे होते हैं तो मांस शराब ठंडक के कारण खाते हैं तो हम भारत के लोग हैं वह नहीं खाते हैं, तो सौंदर्य का इसमें दोष नहीं है। पश्चिमी देशों में भी आजकल ऐसे लोग हो गए हैं जो दूध तक पीना पसंद नहीं करते कि नहीं पशु का दूध हम पी लेंगे तो उसके बच्चे का आहार हम छीनेंगे। ये मानव के अंदर ज्ञान प्रकट करने के ऊपर है। चाहे शीत प्रदेश में कोई रहे, हिमालय की ठंड में रहे, आप गंगोत्री जाएंगे तो आपको लहसुन प्याज भी खाने को नहीं मिलेगा। यदि किसी ढाबे वाले ने छिपा करके लहसुन प्याज रख लिया, पुलिस को पता चल गया तो जेल हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा। लेकिन जहां 50 सेंटीग्रेड का तापक्रम होता है वहां के लोग मांस में डूबे रहते हैं, शराब में डूबे रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, सौंदर्य अति पवित्र वस्तु है। यदि मनोविकार पैदा होते हैं तो हमारे मन का विकार है, सौंदर्य का इसमें दोष नहीं। ज्ञान हमें मार्ग दिखाता है क्योंकि राज जी से ज्यादा कोई सुंदर नहीं, श्यामा जी से ज्यादा कोई सुंदर नहीं। इस चौपाई में कहा गया है उठते बैठते सुपन सोवत जागृत, खाते पीते सोते सुख लीजिए, कैसे संभव है। यह कार्य तो गोपियों ने किया था, हमको कहा जाता है कि बैठ करके चितवनी करनी है। चितवनी में तो कल भी परसों भी मैंने कहा था कि आप का शरीर पूर्णतया स्थिर होना चाहिए, जरा भी हिले डुले नहीं। मैं तो कहता हूं कि उंगली ऐसी है तो ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान से परे होना है, आप शरीर हैं इसको भूल जाना है। लेकिन चलते फिरते सोते जागते खाते पीते उठते खेलते कैसे राज्य का सुख लिया जाए। इसके लिए सुख जो राज्य तक पहुंच बनानी है वो जप का विषय नहीं है। आप देखेंगे आप राजसमा जप करेंगे तो कहां से करेंगे, कंठ से करेंगे। वाणी के चार भेद होते हैं, परा पश्चिंत मध्यमा और बैखरी। जो मेरे मुख से वाणी निकल रही है यह बैखरी वाणी। मध्यमा वाणी क्या होती है, जो कंठ में होती है। पश्चिंत हृदय में होती है। जो योगी होते हैं वो ध्यान के द्वारा किसी के हृदय में क्या बात चल रही है उसको जान जाते हैं, उसको कहते हैं पश्चिंत, जो ध्यान के द्वारा देखी जाती है। लेकिन जो परावाणी है मूलाधार में उत्पन्न होती है उसको योगी भी जान नहीं पाते, कोई महान योगी होता है वही जान सकता है कि इसके मन में क्या बात है। यदि आप वैखरी वाणी से या होठों में बुदबुदा कर राजसमा जप करते हैं तो वह अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। इस अवस्था को पाने के लिए गोपियों ने अखंड प्रेम किया था। अखंड प्रेम और प्रेम दोनों में अंतर होता है। प्रेम की पहली मंजिल होती है समान,
जैसे गोपियां श्री कृष्ण जी से मिलती हैं पहली बार, जब कृष्ण जी मात्र कुछ घंटों के हैं। कृष्ण जी का तन राज्य का आवेश तो उनका प्रीतम है। गोपियां उस मूल संबंध के कारण उस बालक की माधुरी छवि पर मुग्ध हो जाती हैं। क्यों मुग्ध होती हैं उनको पता नहीं, उनको ये नहीं पता कि ये हमारा अनाथ प्रीतम है जो इस तन के अंदर छिपा बैठा है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, गोपियों की प्रेम लीला प्रगाढ़ होती जाती है। जब श्री कृष्ण बछड़ों को लेकर के वन में जाते हैं तो जब तक वो लौट नहीं आते गोपियां एकटक होकर के देखा करती है कि कब कान्हा आएगा, कब उसको मक्खन खिलाएगी। वो प्रेम है अंदर का। भले ही वे उठ करके बैठी हो, सोते समय भी किसका ध्यान है? कृष्ण का। यदि वे भोजन कर रही हैं तो भोजन के ग्रास मुंह में डाल रही हैं तो भी किसका याद कर रही हैं? किसकी याद कर रही हैं? कृष्ण का। जब देखिए जब बांसुरी भी बजती है 52 दिन की जुदाईगी के बाद, तो गोपियां क्या करती हैं? जो तामसी सखियां थी उन्होंने तो उसी क्षण शरीर छोड़ दिया। जो राजसी संख्या थी अंदर विरह की आ गए, सोचती है कि हम जाएंगे तो घर वाले रोक रहे हैं, क्या करें, अंदर व्यथा है। हाथ का आभूषण पैरों में पहन लिया, पैरों का आभूषण हाथ में पहन लिया, एक आंख में काजल लगाया, दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया, कपड़े भी उल्टे पुल्टे पहन लिए। यह है राजसी सखियों का। तामसी सखी स्वांसी सखियों ने सोचा कि हम घर से भागेंगे तो समाज क्या कहेगा। इतने में घर वालों ने देख लिया कि ये तो गोपियां घर से बाहर निकलती जा रही है, शरीर छोड़ती जा रही है। उन्होंने रोकने के उद्देश्य से घर का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अंदर जो विरह की आग है उनको प्रेरित कर रही है कि तुम्हें जाना ही होगा। परिणाम विरह में तड़प तड़प कर सभी स्वांसी सखियों ने अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया। आप सोचिए, आप सुंदर साथ के पास तो वह अवस्था नहीं है। आप कहेंगे कि चैतन्य महाप्रभु की तरह हम भी बन सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस की तरह हम बन सकते हैं। तो वर्तमान समय में जो सुंदर साथ की स्थिति मैं देख रहा हूँ, हम में से कोई भी रामकृष्ण परमहंस या चैतन्य महाप्रभु की तरह प्रेम में दीवाना नहीं है। रामकृष्ण परमहंस 6 महीने की समाधि में रहे। एक महात्मा थे जो जबरदस्ती उनके मुंह में डाल दिया करते थे। मैंने तो सुना है कि जबरदस्ती उनके मुंह में दूध डाला जाता था, क्योंकि वो अखंड समाधि में इतने लीन हो गए थे कि उनको शरीर की सुध ही नहीं थी। हमारे सुंदर साथ को तो केवल कहा जाता है कि 2 घंटे ध्यान कर लीजिए, तो हमारे लिए एक पहाड़ सा प्रतीत होता है। रामकृष्ण परमहंस को किसका साक्षात्कार हुआ था? आदि नरक अभ्याकृत का भी साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन उनके प्रेम में तो डूबे हैं। आप में से किसी को मैं कहूं कि नारायण चाहिए, कोई नहीं मन चाहेगा, सबको राजी से हमाजी ही चाहिए। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जब रात्रि को सोते हैं तो अपनी आराध्य के ध्यान में सो जाते हैं। सवेरे जब उठते हैं ध्यान से, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी रात ध्यान में बीत जाती है, कभी कभी पूरा दिन बीत जाता है। उनकी आंखों से झरना बहता है प्रेम के आंसुओं का, इस बात के लिए कि आज की रात बिना आपके दर्शन के बीत गई। हम सुंदर साथ तो केवल कर्मकांड करते हैं, कितना कर्मकांड करते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे मंच पर कहने की आवश्यकता नहीं। जो वाणी में यह कहा गया है, उठते बैठते खाते सोते जागते खेलते हंसते सबविध सुख लीजिए, कैसे संभव है? यदि हमारे अंदर विरह की अग्नि है तो जैसे देखिए गोपियों को 24 घंटे क्या एक ही ध्यान रहता है कि हम अपने श्री कृष्ण को किस तरह से आनंदित कर सकते हैं। हमारे मन में यह भावना क्यों नहीं होती कि हर पल हम राज्य को देखें? जिसे देखिए सुंदर सर जी, जो कर्मकांड की विधाएं हमारे समाज में प्रचलित हैं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो यह बात कह रहा हूं कि जो सपने के संसार में जीव सृष्टि करती है नवधा भक्ति का आश्रय लेकर,
हम क्यों उसको दोहरा लेते हैं। मुझे भी भाई के सहारे में कभी रहना पड़ा था, मैं भी करता था, डर के मारे मैं भी और सगर जमीहर का सुशोभा अतलित मैं भी कहता था, क्योंकि न कहने पर गेट से बाहर हो जाना पड़ता। संध्या आरती में मैं भी दूसरों को देखकर मुंह चलाने लगता था कि कोई ये न सोचे कि ये गा नहीं रहे, लेकिन हृदय साक्षी नहीं देते थे। भक्ति जबरन नहीं कराई जा सकती। और शरीयत की विशेषता यह है कि आपको जबरन थोपी जाएगी। यदि आप शरीयत में भाग नहीं लेते हैं तो आपको उस धार्मिक संस्था में रहने का अधिकार ही नहीं होता। शरीयत वाले हकीकत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते और हकीकत वाले शरीयत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। यह बहुत ऊंची अवस्था की बात है। आप मन ही मन में रासमा करते करते इस अवस्था तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाएंगे। चूंकि इस प्रसंग पर मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि सुंदर साथ कहीं ना कहीं भ्रांतियों का शिकार होता है। एक शहर के सुंदर साथ ने पढ़ लिया था, बहुत पहले मैंने ये बात सुनी थी, श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास न खोए, ना जाने इन श्वास को आवन होने हो। तो निज नाम का अर्थ क्या समझ लिया कि तारतम को जहां भी रहो उठते बैठते तारतम का पाठ किया करो तो ये पूरा हो जाएगा। श्वास श्वास निज नाम जपो, श्वास श्वास निज नाम जपना ये वाणी का विषय नहीं है। जप के सामान्य रूप से जप के क्या अर्थ होते हैं, मानसिक वाचिक और उपांश। मानसिक का जप क्या है, मन में, वाचिक बोलकर, उपांश होठों में बुदबुदाकर। एक अजपा जप होता है। अजपा जप किसी को किसको कहते हैं, बिना जप किए निरंतर चलता रहे। वो जप क्या है, सोहम सोहम। एक तो जो वाणी का जप होता है उसमें सोहम सोहम बोला जाता है। एक यहां पर जब आप त्रिकुटी पर मन को एकाग्र करेंगे तो अखंड ध्वनि सोहम की सुनाई पड़ेगी। पहले ध्वम ओम की सुनाई पड़ती है, उसके बाद सोहम की सुनाई पड़ती है। जो उन्होंने जिन योगियों ने वहां ध्यान कर लिया होता है उनको सोहम सोहम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जिन्होंने जप नहीं, जिन्होंने उस मंजिल पर नहीं पहुंचे होते हैं वो केवल सोहम सोहम का जप करते हैं कि मैं वही हूं। ये वाणी का विषय है। ब्रह्म कहाँ है, वाणी से परे है। मैं आपको किस मंजिल पर ले चलना चाहता हूं कि एक ब्रह्मात्मा को उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हंसते खेलते कैसे राज्य का सुख मिले और कैसे उसको पल पल अनुभूति हो कि राज्य श्यामा जी हमारी आत्मा के धाम हृदय में। जैसे सेवा पूजा में हमारे समाज के संतों ने परमहंसों ने अपने अपने भावों के अनुसार रचना की है, इसमें काफी कुछ रचना मुकुंद दास जी की है, कुछ रचना परमानंद जी की है, कोई भोग किसी परमहंस का बनाया है, कोई भोग प्रेम सखी गोपाल मणि जी महाराज का बनाया हुआ है, कभी केसर भाई के महल पधार, केसर भाई बाबा दयाराम की आत्मा है उनके बनाए हुए भजन है। सभी परमहंसों ने अपने अपने भावों से कोई भोग बनाया है, कोई आरती बनाया है, कोई गौरी बनाया है। हमारी भक्ति क्या रही है, प्रेम लक्षण भक्ति। अभी मैंने कहा था कि परिक्रमा ग्रंथ की पहली चौपाई क्या है, अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। इश्क कैसे पैदा होगा, तो किसी संत ने ये वाक्य कह दिया कि श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास न खोए, हर श्वास में निज नाम जपो। निज नाम का अर्थ क्या होगा, कोई सिक्रिट सिक्रिट कहेगा, कोई राजसमाजी कहेगा। एक परमहंस हुए हैं सूरत के, 24 घंटा हक आदि कहते रहते थे। इससे ये निरर्थक नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, बैठे बातें करे बका अर्ष की तित भिस्त भई बैठक, दुनी बातें करे दुनी की आखिर तित तो जग। जहां भी परम धाम के ज्ञान की चर्चा होगी वो ब्रह्मलीला के अंतर्गत आ जाएगा और तित भिस्त भई बैठक वो स्थान वैष्णव में अखंड हो जाएगा। दुनी बातें करे दुनी की आखिर तित्तो जग, लेकिन संसार के जी
संसार के काम क्रोध मद लोभ की बातें करेंगे, इसलिए उनको प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा कि हमने किया क्या है। प्रश्न यह है कि हमने तारतम भी लिया हुआ है, छह चौपाई का तारतम भी हमको याद है, हम राज्य का भी नाम जानते हैं, श्री जी को भी नाम जानते हैं, कृष्ण का भी नाम जानते हैं, क्या करें? हम श्री जी साहब कहते रहे, राज समाजी करेंगे, लेकिन सोते समय तो नहीं करेंगे, चलते फिरते तो राज समाजी कर लेंगे। वाणी क्या कह रही है? सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते खेलते। आप बताइए, आपको यहाँ कोई खेल खिलाया जाए, क्रिकेट का, फुटबॉल का, तो सभी खेल की मस्ती में इतने होते हैं कि स्वयं को भूल जाते हैं, तो राजसमाजी को कौन याद करेगा? जब आप गहरी निद्रा में खर्राटे ले रहे हैं तो राज्य को कहाँ से याद कर पाएंगे? तो इसका तात्पर्य यह है कि क्या वाणी का कथन झूठा हो जाएगा? वाणी का कथन झूठा नहीं है, हम अध्यात्म के उस मंजिल पर नहीं पहुंचे होते हैं, इसलिए बातें समझ में नहीं आती। देखिए, यह उस अवस्था का वर्णन है जब प्राणेश्वर आसिक के रोम रोम में बस चुका होता है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत दूं, वैसे तो यह दृष्टांत कई बार मैं देख चुका हूं, लेकिन यह प्रसंग आ गया तो मुझे कहना पड़ रहा है। एक बार मजनू का ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ा हुआ था, हकीम ने देखा तो सोचा कि इसका कुछ खून निकाल देते हैं तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। उस समय इतनी औषधियां नहीं हुआ करती थी। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए जैसे उसने उस तरह चुभोया उसकी बांह में, मजनू चिल्ला पड़ा। वैद्य हकीम हंसने लगा कि मजनू तो उस तरह मैंने अभी तो काटा नहीं था, जरा सा भी रखा तो चिल्ला क्यों रहा है, क्या तू डरता है? कहता है कि नहीं हकीम जी, मैं मौत से नहीं डरता, बाघों से नहीं डरता, सर्पों से नहीं डरता, मैं इसलिए मना कर रहा हूं आपको कि मेरी रक्त की हर बूंद में मेरी लैला विराजमान है। आप नस्तर चुभोगे तो उसको कष्ट होगा, हाय वो संसार का जी, लेकिन चुनौती तो हमको दे रहा है। क्या हमारे दिल में राज्य की वैसी बैठक है? क्या हम राज्य से प्रेम करते हैं? वो तो एक मिट्टी के पुतले पर पागल है। आप सोचिए, आपको परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन सुनाया जाता है, अब वही चलेगा, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, इन तीनों ग्रंथों में क्या है? 25 पक्षों का वर्णन है, युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा का वर्णन है, श्याम और आपकी परात्म के श्रृंगार का भी वर्णन है। आप सब सुंदर साथ शब्दों को पढ़ते हैं, जब प्रेम नहीं पैदा होता तो शरीयत की नकल तो उतारेंगे, नहीं उतारेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, ये केवल पढ़ाकू है, पढ़ता रहता है, कोई भक्ति भाव तो नहीं है, प्रेम भाव नहीं है। तो आप जोर जोर से चिल्लाते हैं या नाचते हैं किसको दिखाने के लिए? संसार को दिखाने के लिए कि संसार माने कि हम राज्य से प्रेम करते हैं। ये सच है, क्योंकि उस भीड़ में यदि आप सम्मिलित नहीं होंगे तो आपको कहा जाएगा कि अरे ये तो इसको तो कोई भाव ही नहीं है। जो दिखावे की बंदगी होती है वो इंद्रियों से होती है, शरीर से होती है। सब लोग उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनका क्या मन शांत हो गया होता है? नहीं। मीरा भी नाचती थी, लेकिन मीरा का नृत्य स्वाभाविक नृत्य था। रामकृष्ण परमहंस भी कोई भजन सुनकर मस्ती में नाचने लगते थे, वो कला का प्रदर्शन नहीं करते थे। चैतन्य महाप्रभु भी नाचते थे, वो कला का प्रदर्शन नहीं करते थे, ढोलक की थाप पर नहीं नाचते थे, वो नृत्य उनके हृदय से प्रकट हो रहा है। उनको नहीं पता कि जब मैं नृत्य कर रहा हूं तो मेरे सामने बाघ है क्या, घनघोर वन में जा रहे हैं, मस्ती में नृत्य कर रहे हैं। सुंदर सा तो केवल मंदिर में नृत्य कला के विशेषज्ञ है, और वो भी ढोलक की थाप पर, और भजन भी हो तो फिल्मी धुन का भजन हो। मन में क्या होता है? फिल्मी धुन वो बसी रहती है, भले ही शब्द राज्य श्यामा जी के या वाणी से कुछ लिए गए होते हैं, उस भजन की आत्मा तो फिल्मी धुन होती है जिस पर भजन बनाया गया होता है। तो दृश्य आएगा तो कहाँ का आएगा, उस पिक्चर का।
आज जो प्रवृत्ति बन गई है राज्य को रिझाने के नाम पर, ज्यादा उछलने की, कूदने की, जोर जोर से नाचने कूदने की, तो इसका परिणाम क्या हो रहा है? सुंदर सत वाणी से दूर होता जा रहा है, वाणी के तत्व ज्ञान से दूर होता जा रहा है। रात्रि की चर्चा में मैंने वर्णन किया था कि हक की मैं क्या है। आज आवश्यक है कि हम सुंदर सत समझे कि उठते बैठते सोते जागते सोते समय कैसे आप राज्य का सुख लेंगे। ये सामान्य प्रश्न नहीं है। हर टीका में अर्थ कर दिया जाता है सोते समय भी राज्य का सुख लीजिए। क्या सोते समय राज्य का सुख लिया जा सकता है? क्योंकि सोते हुए और मरे हुए में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। मरे हुए की धड़कन नहीं चल रही होती है, सोते वाले की धड़कन चल रही होती है, बस इतना ही अंतर है। नहीं तो मरे हुए से पूछिए कि क्या हो रहा था, उसको कुछ नहीं मालूम, नहीं कहेगा कि मैं तो सो रहा था। जब आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही हो, मन कार्य कर नहीं कर रहा, उस समय कहना कि राज्य का सुख लो। जो उठते बैठते ले रहे थे, जो ध्यान में ले रहे थे, वो सोते समय कैसे लिया जाएगा? एक बात इसको समझना है, मैं एक दृष्टांत से समझाता हूं आपको। मलिहाबाद के मुकुंददास जी थे, बाल्यावस्था में थे, गाय चराया करते थे। उस समय आजकल की तरह शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। जब वो घर आते हैं, उनकी माता जी कहती हैं कि मुकुंदा, आज एक महात्मा जी आए थे सफेद वस्त्र में, कह रहे थे कि मुकुंदा कहाँ है। मैंने कह दिया था कि वो गाय चराने गया है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। तो कह गए हैं कि कह देना है कि पन्ना से प्राणनाथ जी आए थे। मुकुंददास जी को कोई ज्ञान नहीं है। आप सुंदर साथ को न जाने कितनी बार वाणी 10 घंटे का मंच चलाया जा रहा है, आपको कक्षों से निकालना पड़ता है, यहां से आवाज लगानी पड़ती है। वो मुकुंद है। केशवदास जी ने केवल रेवादास से सुना ही था कि इधर से एक छत्री गुजरा है, वो समझ गए कि स्वयं अक्षरातीत गए हैं, वहीं से चल पड़े थे। मुकुंददास जी भी यही करते हैं। माँ से कहते हैं कि माँ, जो मुझे बुलाने आया था मैं उसके पास जा रहा हूं। माँ कहती है कि कुछ खा लो पी लो। कहती नहीं नहीं मैं तो मुझे जाना ही है। चल पड़ते हैं। 16 साल का बालक है, क्या करेगा। रास्ते में चलते चलते अंधेरा हो जाता है। अब जाएं तो कहां, उनको कुछ पता नहीं कि पन्ना जी किधर है। एक पेड़ के नीचे एक देखते हैं कि महात्मा जी बैठे हुए हैं। महात्मा जी कहते हैं कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। कहते हैं कि पन्ना जी जा रहा हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि पन्ना जी किधर है? तो कहते हैं कि नहीं। तो महात्मा जी पूछते हैं कि इतनी रात को तुम्हें पता नहीं कि किधर जाना है, जाओगे कहाँ, बैठो मेरे पास। सामने बैठाते हैं, कहते हैं कि आंखें बंद करो। आंखें बंद कर लिया। कहा कि जैसे ही आंखें बंद करते हैं, और उसके बाद 1 मिनट भी बंद नहीं किया था, खोलते हैं तो देखते हैं कि वो महात्मा जी तो नहीं है, मैं पन्ना जी में कमानी दरवाजे के बाहर खड़ा हूं। ये कैसे हो गया? समाधि अवस्था में दूरी का प्रश्न नहीं होता। ये संसार कहां से है? मन से संसार है। जिस अवस्था में आपका मन निष्क्रिय होगा, उस अवस्था में समय और दूरी का बंधन समाप्त हो जाता है। जैसे स्वप्न में आपका मन, स्वप्न कितने समय तक होता है? मैं समझता हूं कुछ सेकंडों का स्वप्न होता है, 5 सेकंड 10 सेकंड में एक बड़ा सपना देखा जाता है, और उस कुछ सेकंडों में आप अमेरिका कभी पहुंच जाते हैं, कभी मुंबई पहुंच जाते हैं, कितने कई महीनों का कई सालों का दृश्य आप देख लेते हैं। एक पल में वर्षों का दृश्य देखा जा सकता है, एक पल में कई जन्मों का दृश्य देखा जा सकता है, क्योंकि मन की विचित्रता है। उसी तरह से जिसके हृदय के रोम रोम में प्रेम बसता है, जिसके हृदय के रोम रोम में उसका प्राणेश्वर बसता है, वह समय की दूरी के बंधन से रहित हो जाता है। जैसे सोते समय आप राज्य के भावों में सोएंगे तो 2 घंटे की झपकी भी लग जाएगी तो उस झपकी का कोई असर आपके ऊपर नहीं रहेगा, उसको निद्रा नहीं माना जाएगा।
क्योंकि सोने से पहले आप राज्य के श्रृंगार में डूबे हुए थे, जब आपकी आंखें खुलेंगी तो उस समय भी राज्य का श्रृंगार झलक रहा होगा। तो आपके लिए वो निद्रा निद्रा नहीं मानी जाएगी, वो तो योग निद्रा है। एक सामान्य व्यक्ति ठूस ठूस कर भोजन करता है और गहरी निद्रा में खर्राटे लेता है तो क्या कहा जाता है कि वो तो सो रहा है। आप अष्टपहर की बीतक पढ़िए, श्री जी को गहरी निद्रा में कभी आप सोते हुए नहीं पाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं तो आप इसकी नकल मत करना शुरू कर देना कि श्री जी जैसे करते थे हम भी करेंगे, तो शरीर रोगी हो जाएगा। क्योंकि आप श्री जी नहीं है, आप परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी नहीं है। जैसा भोजन आप करते हैं वैसा भोजन परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी नहीं करते थे या श्री जी नहीं करते थे। राज्य का आवेश जिस तन में लीला कर रहा है, आप उस तन की नकल उतारेंगे तो आपका शरीर उसको झेल नहीं पाएगा। हफ्से में जिस महामती जी के आत्मा ने विरह में तड़प तड़प कर अपने शरीर को हड्डियों का ढांचा बना लिया हो, जिसके लिए वाणी कहती है कि हाड़ हुए सब लकड़ी सिर सिरफा लगिन, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था, सिर नारियल के समान दिख रहा था और जीव जो स्वयं हिमालय के कलाप ग्राम का रहने वाला हो, जिसमें केवल योगी महात्मा ही रह सकते हैं, सिद्ध पुरुष ही रह सकते हैं, सामान्य मनुष्यों का जिसमें प्रवेश नहीं होता, उस कलाप ग्राम के वासी मरु राजा के जीव पर परमधाम की इंद्रावती की आत्मा विराजमान है। इसलिए उस शरीर की नकल करने का साहस सबको नहीं करना चाहिए। हाँ, सिखापन है, हम भी वैसा कर सकते हैं, हम भी वैसा बन सकते हैं। जो महामती जी को करने का अवसर था वह अवसर आपको भी है, बल्कि आपके लिए ज्यादा सुगम है, क्योंकि उस समय वाणी नहीं अवतरित थी। आपको वाणी अवतरित करके दे दी गई है, बीतक दे दी गई है, लेकिन हमारा और आपका जीव इतना निष्ठुर है, इतना कठोर है कि उस प्रेम की डगर पर, उस विरह की डगर पर चलना ही नहीं चाहता। तो उठते बैठते तो आप राज्य का मन में भाव ले सकते हैं, गुनगुना ले सकते हैं। एक प्रश्न, एक बात बताइए, गोपियां हर पल राजी को याद करती हैं, आपको राजी हर पल क्यों नहीं याद आती? हाँ, एक व्यक्ति आपको जरूर याद आएगा जिससे आपका बैर है या जिसकी निंदा करने की आपको आदत बन गई है, उठते बैठते जरूर आपको याद आएगा। लेकिन राज्य से इतना प्रेम नहीं हो पाया कि राज्य उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हंसते खेलते हमेशा याद आए। इन स्थितियों में पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेम की राशि को अपने हृदय में संग्रहित करना पड़ेगा। प्रेम कोई द्रव्य नहीं है, लेकिन जानते हैं जैसे फूल की सुगंध होती है वैसे प्रेम की सुगंध होती है। जैसे प्राण से हम जीवित रहते हैं वैसे प्रेम से ही परमधाम की आत्मा इस तन को रखे पाती है। प्रेम दिखने में, जैसे हमारे चेहरे पर जब प्रेम की भावना होती है तो चेहरा बता देता है, हमारे अंध हृदय में जब घृणा की भावना होती है तो आंखें बता देती है, भय होता है तो हमारा चेहरा बता देता है कि हम डर रहे हैं, हमारे अंदर साहस का भाव होता है। ये वस्तुएं कोई लौकिक द्रव्य नहीं है, लेकिन एक भावात्मक अभिव्यक्ति जिसको हृदय अनुभव करता है तो प्रेम में प्रफुल्लता आती है, भय में घबराहट आती है, घृणा में क्रोध आता है नहीं, घृणा का रूप दिखाई नहीं देता, उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जब चेहरे पर वो लक्षण प्रकट होते हैं तो समझते हैं कि अब इस चेहरे में घृणा है, इस चेहरे में प्रेम है, इस चेहरे में लज्जा है, इस चेहरे में उत्साह है। कहने का अर्थ क्या है? परम धाम की आत्मा माया का खेल देखने के लिए ब्रज में आई है, उसके अंदर प्रेम है परम धाम का मूल संबंध से, भले ही पता है तो नहीं तो क्या, वह प्रेम गोपियों को विवश कर रहा है कि हर पल कृष्ण के पास ही रहें, एक पल भी अलग ना हो। आपके अंदर भी परमधाम की आत्मा है, लेकिन आपका आचरण वैसा क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि दो चीजों से बहुत नुकसान हो रहा है। वह द्वापर का समय था, वहां उस समय लोगों के हृदय में अधिक निर्मलता थी। इस समय कलयुग की बाढ़ है,
विषय में समय विषय वासनाओं का प्राबल्यता है। और दूसरी चीज यह है कि ज्ञान दुधारी तलवार है। यदि इस ज्ञान को प्रेम के बर्तन में रखा जाता है तो यह ज्ञान धनी से मिलन करा देता है, और इस ज्ञान को यदि तमोगुण और रजोगुण के बर्तन में रखा जाता है, इस ज्ञान रूपी अमृत धारा को तमोगुण और रजोगुण के बर्तन में रख देंगे तो यह केवल विवाद का कारण बन जाता है, आत्मसंतुष्टि का कारण बन जाता है। यदि आपका स्वभाव तमोगुणी है, आपने वाणी के अर्थ को गहराई से समझ लिया तो सबको चुनौती देते फिरेंगे कि जो मैं कह रहा हूं वह सच है। यदि आपका हृदय रजोगुणी है तो आप सोचेंगे कि अरे मैंने सब पढ़ लिया है, इल्म है तो लज्जत लेना ही तो है, परम धाम में चलेंगे तो रांची को देख लेंगे, क्या जरूरत है यहाँ आंख बंद करने की। ये बात सामान्य लोग नहीं कहते, ये बात वो विद्वान कहते हैं जो वाणी के मर्मज्ञ हैं, वित्तक के मर्मज्ञ हैं, चर्चनी के मर्मज्ञ हैं। उनकी आंखों से विरह के आंसू नहीं निकलते, वे चितवनी करना बोझ समझते हैं लेकिन व्याख्यान देना सरल समझते हैं। लेकिन वही प्रेम वही इल्म एक चितवनी में डूबे हुए सुंदर साथ के हृदय में प्रवेश करता है तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि हर पल लगता है कि राज्य के बिना सब निरर्थक है। तभी तो कहा है एक तेरे इस बिना उड़ गई सकल जहां। ये क्यों पहली चौपाई में क्यों कह रहे हैं कि अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात जो कदी आवे मीने, शब्द का अर्थ क्या है, शब्द में आ जाए, इश्क तो शब्दातीत है। यदि उसकी व्याख्या हो जाए कि इश्क ऐसा होता है तो जो ऐसा कर दे व्याख्या कर दे तो समझ लीजिए तो चौदह तबक के रथ, चौदह लोगों का उसके लिए कोई वर्णन नहीं होता, महत्व तो नहीं होता। इश्क ऐसा नहीं है कि हमने फिल्मी पिक्चरें देख ली और उनके कहानियों के आधार पर हम इश्क की व्याख्या करने बैठ गए, गीत गाने लगे गए और कह देंगे कि हमें इश्क हो गया, तो ये इश्क नहीं है। इसके कोई ये लक्षण जो नैनो पलक न ले, नेत्र अपलक नेत्रों से यदि हम राज्य के देखने में सामर्थ है तो हम दावा कर सकते हैं कि हमें राज्य से इश्क है, प्रेम है, अन्यथा नहीं। हाँ जब भाव गंभीर होता है तो हम उठते बैठते सोते जागते राज्य के प्रेम में डूबने का प्रयास करते हैं। अब जो मैं बात कह रहा था मूल तथ्य पर आता हूं कि श्वास श्वास निज नाम जपों का अर्थ हम कैसे करें। शरीयत के अनुसार जो इसका बाह्य अर्थ होगा यही है कि उठते बैठते सोते जागते हंसते खेलते जब भी हो मन में हृदय में बिना होठों को हिलाए बिना बुदबुदाए रासमा रासमा करते रहे। इससे कुछ लाभ होगा लेकिन लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। इससे केवल एक लाभ होगा कि आप में भावलीनता की योग्यता पैदा हो जाएगी। भावलीनता का तात्पर्य क्या है, हम सोने जा रहे हैं तो जो शरीयत वाला क्या होगा वो क्या करेगा, खूब जोर से राजी श्यामा जी बोलेगा ताकि सुनने वाले समझ जाए कि भगत जी महाराज अब शयन करने जा रहे हैं। और जो तरीकत पर चलने वाला होगा वो क्या करेगा, होठों में भी नहीं कहेगा, हृदय से राज श्यामा जी कर लेगा, राजी को याद करके सो जाएगा। हकीकत वाला क्या करेगा, सोने से पहले वो राज्य की शोभा की एक झलक देख लेगा। मारिफत वाला क्या करेगा, राज्य की शोभा को देखते देखते उनके हृदय में डूब जाएगा और स्वयं का अस्तित्व विलीन कर लेगा। ये चारों के चार स्थिति है। निद्रा में सभी रहेंगे, शरीयत वाले भी, तरीकत वाले भी, हकीकत वाले भी, मारिफत वाले भी। लेकिन जब मारिफत वाला जब निद्रा को छोड़ेगा तो जैसे राज्य के हृदय में डुबकी लगाया गया लगाते लगाया था उठते समय भी वैसी अवस्था को सीधे प्राप्त हो जाएगा। संसार की कोई भी बात उसके बीच में नहीं आएगी, इसलिए उसको कहा जाएगा कि इसके लिए सोते समय भी राज्य का ही आनंद लेते हैं। जबकि शरीयत वाला सोते ही जब जोर जोर से अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहा था कि मैं राज्य को याद कर रहा हूं, अड़ोस पड़ोस के जितने लोग हैं सब सुन लें, क्योंकि मैंने देखा है जब मंदिर में शरीयत के लोग आते हैं तो दरवाजे से शोर मचाया करते थे राज्य राज्य, ताकि
मैं आश्रम में सुना करता था, हम कमरे में होते थे, पहचान जाते थे कि अमुक भगत जी आ गए। वो शरीयत हृदय में प्रेम नहीं, एक भाव है, औपचारिकता है, शरीयत की बंदगी को पूरा करके सबको दर्शाना है। और ये लोग क्या करते हैं, जो वैसा नहीं करता उसको कहते हैं कि ये महात्मा सब क्या करते हैं, बैठे बैठे खाते रहते हैं, आरती में नहीं आते। श्वास श्वास वो नहीं जप कर सकते, जो तरीकत वाला है वो श्वास श्वास जप करेगा, हृदय से जप करेगा। लेकिन यदि वो चितवनी नहीं करता है तो उसके हृदय के विकार नहीं जाएंगे और उस मंजिल पर वो नहीं पहुंच पाएगा। चितवनी में क्या होता है देखिए, जब मैं छोटा था तो रिचर्ड या एटिनबरो, अब उसका नाम लॉर्ड एटिनबरो है कि रिचर्ड एटिनबरो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, नाम एटिनबरो नाम है, उसने गांधी की पिक्चर बनाई थी, उसको गांधी जी की तरह चलना सीखना पड़ा था, गांधी जी की तरह बोलना सीखना पड़ा था। जानते हैं अंग्रेजों को तुम नहीं कहने आता, तुमको तुम कहते हैं। वह अंग्रेज धुन का पक्का था, गांधी जी की तरह कपड़े पहनना, गांधी जी की तरह चलना फिरना सब कुछ सीखता है। जो रामलीला में राम का अभिनय करता है उसको पता है कि राम की तरह बोलना कैसे है, जो रावण का अनुभव करता है वो रावण की तरह बोलने का अभ्यास करता है। इसी तरह से राज्य जैसे हैं उनकी शोभा को जैसे जैसे आप देखेंगे, जैसे लोहा को आग में डाल देंगे तो लोहा आग की तरह तपने लगता है, एक समय अग्नि के समान ही बदल जाता है। उसी तरह से जो सुंदर साथ राज्य की शोभा को अपने हृदय में बसाएंगे, भले ही वे काम से क्रोध से लोभ से मोह से पीड़ित क्यों ना हो, धीरे धीरे उनके मायावी विकार समाप्त होने लगेंगे, जलते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि जैसे राज्य निर्विकार हैं उनका हृदय भी निर्विकार हो जाएगा। इसलिए चितवनी के मार्ग पर चलते समय यदि आपको प्रारंभ में असफलताएं मिल रही हैं तो आप निराश मत होइए, आपका प्राणेश्वर हर पल देख रहा है कि मेरी ब्रह्मात्मा कर क्या रही है। आपका मन भागता है, भागने दीजिए, धैर्य मत खोइए, अपने हृदय का समर्पण और प्रेम बनाए रखिए। आपको काम सताता है, क्रोध सताता है, लोभ सताता है, इसलिए कि आपका जीव लाखों जन्मों का इसका आदि रह चुका है, इसलिए ये भूलें हो रही है। एक क्षण ऐसा होएगा जब करोड़ों कुंतल का जैसे रुई का पहाड़ हो, एक चिंगारी लगाते ही जलकर राख हो जाता है, वैसे राज्य के प्रेम की अग्नि पल भर में आपके विषय विकारों को जलाकर ध्वस्त कर देगी। पंथ होवे कोट कलक, प्रेम पहुंचावे मिने पलक, ये कब होगा, जब प्रतिदिन आप उनको निहारने का प्रयास करेंगे। निहारने का तात्पर्य क्या है, प्रेम भरी दृष्टि से देखना। चितवनी का अर्थ क्या होता है, योग का अर्थ तो हम करें कह देंगे चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, लेकिन चितवनी का अर्थ क्या है, चितवनी शब्द ये है, जैसे ये मेरे नेत्र हैं और मेरे सामने, जैसे मैं आपको एक घटनाक्रम बताता हूं, सीता और राम का विवाह हो रहा है, उस समय मर्यादा हुआ करती थी, आजकल के तो बच्चे शादी होते ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल देते हैं क्योंकि वो पश्चिमी दुनिया से प्रभावित होते हैं। राम भी खड़े हैं, सारा राजाओं का समूह खड़ा है, प्रजा खड़ी है, सीता की इच्छा होती है कि मैं देखूं राम का मुख कैसा है, तो कैसे देखेगी, सीता अपने अंगूठी के नाखून में देखती है, अंगूठी में राम का मुख झलक रहा है, तो देख लेती है, तिरछे नेत्रों से देख लेती है कि राम ऐसे हैं। तो वो प्रेम की जो तिरछी दृष्टि होती है, प्रेममयी दृष्टि आत्मा की, उसको कहते हैं चितवनी। ध्यान की वह प्रक्रिया जिसमें हमारा मन समाप्त हो जाए, बुद्धि समाप्त हो जाए, केवल आत्मा की दृष्टि खुल जाए और वो आत्मा की प्रेममयी दृष्टि साक्षात राज्य को देखे, उसको कहते हैं चितवनी। आपको जो रट्टा लगाया जाता है या आभूषण या थंबा या
जो कुछ है ये तो बुद्धि मूलक है, इसमें तो मन और बुद्धि कार्य कर रहे हैं, ये चितवनी नहीं है। आपको चितवनी के मार्ग पर चलाने का प्रयास किया जा रहा है। और यदि आपके हृदय में उसकी शोभा बस जाती है, राज्य की शोभा, जैसे अपने सुंदर साथ जी हैं राजकिशोर सेतिया जी, वे अपना अनुभव बता रहे थे कि उनको कहीं चोट लग गई थी, बेहोश हो गए थे। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो बार बार बेहोशी में करते हैं, राजी 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 आ जाओ, राजी आ जाओ। डॉक्टर कह रहा है कि ये राजी से मिलना चाहते हैं, इनको राजी से मिला दो। घर वाले तो जानते हैं कि कौन से राजी को ये बुला रहे हैं, लेकिन डॉक्टर तो सोचता था कि ये राजी नाम के अपने मित्र को पुकार रहे हैं, क्योंकि जागृत अवस्था में जो प्रिय होता है वो हृदय में बसता है, बेहोशी में भी वो उसी को याद करता है। इसलिए यदि आप राज्य के नख से सिख तक मुखारविंद को देखेंगे तो परिणाम क्या होगा, वो शोभा आपके हृदय में बसी रहेगी, बेहोशी में भी आप उन्हीं को याद करेंगे, संसार नहीं आएगा। इसको कहते हैं सोते समय भी राज्य का सुख लेना, जागते में हंसते खेलते बैठते, जैसे गोपियां भोजन भी कर रही हैं तो किसकी याद है, कृष्ण की याद है। विरह की अनुभूति जिनको होती है उस अवस्था का अनुभव केवल वही जान सकते हैं, मंच पर मैं पूरी तरह से व्याख्या में नहीं ला सकता, क्योंकि महामती जी ने पहले ही कह दिया है कि पतंग कहे पतंग को, एक पतंगा दूसरे पतंगा से कहता है कि देखो मैंने दीपक देखकर आया हूँ, चलो तुमको भी दीपक दिखा देता हूँ। तो श्री जी कहते हैं कि या तो वो दीपक नहीं या तो उसने पतंग को देखा ही नहीं है, क्योंकि विरह पतंगा का सुहाग क्या है, अंधेरा। जब दीपक जलता है तो पतंगा सोचता है कि मेरा तो सुहाग नष्ट हो गया, मैं जीकर क्या करूंगा, और दीपक पर झांप मारता है, या तो उसको बुझा जाता है या स्वयं अपने जीवन का दीप बुझा लेता है, एक पल भी संसार में अपने सुहाग अंधेरे के बिना रह नहीं पाता। हम सुंदर साथ तो भले ही परम धाम की ब्रह्मात्मा है तो क्या, उस तुच्छ पतंगे के सामने हम क्या है, हमको तो राजी ने सागर श्रृंगार की वाणी दी, परिक्रमा की वाणी दी, हौज कौसर का वर्णन किया, सारी लीलाओं का वर्णन किया कि देखो हौज कौसर के अंदर टापू महल है, चतुर्दशी के दिन उस पर बैठकर सुख लेने लीला का सुख क्या होता है, हौज कौसर में झीलना करने का सुख क्या होता है, पुखराज की तलहटी में भ्रमण करने का सुख क्या होता है, रंगमहल की दसवीं अकाशी का सुख क्या होता है, मानिक पहाड़ के इंडोलों का सुख क्या होता है, पश्चिम की चौगान में खेलने का सुख क्या होता है, राज्य के नख से सिख तक की शोभा में डूबने का सुख क्या होता है। हम पढ़ते हैं और हमारे इस बेसक इल्म की रट्टा मार जान को सुन देख, जब राज्य देखते हैं तो राज्य खूब हंसते हैं कि जो इस ज्ञान को लेकर जो इनको करना चाहिए था उसमें इनका मन नहीं है, वो तो केवल कहने का ही विषय बना रखा है। इसलिए गोपियों को कोई किसी चौपाई का ज्ञान नहीं मिला था, गोपियों को ये नहीं बताया गया था कि क्षर अक्षर के पारे भी अक्षरातीत था, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम का बीज था और वो अंकुरित हुआ, और जो 52 दिन की जुदाईगी के बाद वो प्रेम का बीज एक वृक्ष बन गया था। इसलिए जैसे ही बांसुरी बजी सभी ने अपना शरीर छोड़ दिया, हमारे हृदय में प्रेम है ही नहीं, हमारा सूना हृदय है। याद रखिए यदि आपका हृदय सूना है, संसार से सूना है तो ठीक है, लेकिन राज्य की तरफ से सूना नहीं होना चाहिए। आपके हृदय की सारी रसधारा अपने हृदयेश्वर के लिए होनी चाहिए, अपने प्राणेश्वर के लिए होने चाहिए, अपने अखिलेश्वर के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो आपका प्राणेश्वर है, हृदयेश्वर है, अखिलेश्वर है, आपका प्राण बल्लभ है, प्राण जीवन है, प्राण प्रीतम है, प्राणनाथ है, अनादि है, अनंत है, सच्चिदानंद है, सकल गुण निधान है। और ऐसे अपने आराध्य को पाकर यदि आप उसको भूले रहते हैं तो इससे बड़ा अभागापन और क्या होगा। लेकिन हम उन्हीं की कोटि में हजारों सुंदर साथियां बैठे हैं, अभी थोड़े समय के बाद अब चर्चा बंद होने वाली है, जाएंगे भोजन करेंगे सब बातों में लग जाएंगे,
कहीं निंदा हो रही होगी, कहीं गप्पे हो रही होगी, आप लोगों को बुलाने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन वो गोपियां हैं, खाती भी हैं तो उनको लगता है कि मेरा कन्ना मेरे साथ खा रहा है, सोने जाती हैं तो लगता है कि मेरा कन्ना मेरे साथ है। हम लोगों को नहीं लगता कि राजी हमारे साथ है, हमको तो चितवनी में क्यों जप कराना पड़ता है? सच पूछिए तो ये जप भी एक बाधक है और साधक और बाधक दोनों है। यदि आप ध्यान की गहराई में आप जप करने लगते हैं तो ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान तब लगेगा जब मन और बुद्धि का कोई खेल न हो, प्रत्यक्ष दृष्टि दिखे। एक बात बताइए, आप अपने किसी निकट संबंधी से, भाई हो, बहन हो, मित्र हो, पति हो, पत्नी हो, कई वर्षों के बाद मिलेंगे, जब पहली नजर में आएगा तो आप साष्टांग क्या लेट जाएंगे, क्या स्तोत्र पढ़ने लगेंगे या माला का जप करने लगेंगे? आपको इतना तो पता है। लेकिन जब राज्य को याद करते हैं तो सारे कर्मकांड के नियम थोप दिए जाते हैं और पालन करने लगते हैं, फिर चितवनी कहाँ से लगे? प्रेम की नज़र से चितवनी कीजिए तो चितवनी लगेगी, वो कहीं दूर नहीं है। जो सहरक से नज़दीक है उसको पाने के लिए माला का जप, कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही है, कंकड़ पत्थर चुन के मस्जिद लिया बुलाए, ता पर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। अल्लाह ताला को सुनाई नहीं पड़ रहा है कि जोर जोर से लाउड स्पीकर पर ये चिल्लाते रहते हैं? वैसे हम सुंदर साथ भी राज्य को तो एक देवता ही बनाए बैठे हैं, हमको नहीं पता है कि वो हमारे हृदय की धड़कनों में बसता है। हमको नहीं पता, वो जानता है, वो परात्म के रोम रोम में वह रम रहा है, आत्मा के हृदय में अब हमें रमाना है। इसलिए तो वाणी क्या कहती है, चर्चा सोड़जो दिने रात अपने तुठा प्राणनाथ। ब्रज में हम फिदा नहीं हो पाए थे, रास में भी फिदा नहीं हो पाए थे, देवचंद जी के तन से होने वाली जागनी लीला में भी फिदा नहीं हो पाए थे। सच बताऊं, मेरी बातें कुछ अजीब सी लगेगी, हम परम धाम में भी फिदा नहीं हो पाए थे। फिदा होते तो रद्द क्यों करते? हकीकी मैं परम धाम में भी हमें प्राप्त नहीं थी, इसका निर्णय करने का अधिकार जागनी ब्रह्मांड को है। इसलिए सब कहते हैं कब प्रलय होगा, बता दीजिए, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं कभी राजी से नहीं कहता कि प्रलय कर दो, क्योंकि सुख हके इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठोर इतने जो रूसो करो विचार। यही तो सुनहला अवसर मिल रहा है कि जो पहचान करके फिदा होना चाहिए था, परम धाम में अवसर नहीं था, राज्य के मार्फत स्वरूप की पहचान नहीं थी। इसलिए सबने क्या कहा था, राज्य हमारा इश्क बड़ा है, हम आपको रिझाना चाहते हैं। अब सागर श्रृंगार की वाणी ने मार्फत की पहचान करा दी है, वहदत की पहचान करा दी है। इसकी पहचान के बाद यह निर्णय हो गया केवल एक राज्य है, केवल उनकी मैं ही स्वरूप ही है। हकीकी मैं को लेकर जब आप पहचान कराएंगे तो हमारे रोम रोम से निकलेगा, केवल तुम, केवल तुम, न इंद्रावती, न श्यामा जी, न अमलावती, न आसबाई, न सकुंडल, न सकुमार। इसलिए जो ब्रज में भूल हुई, जो कह दिया कि हम आप पर पुरुष के साथ हम कहाँ से जा सकती हैं, जो परम धाम में कह दिया कि हमारा इश्क बड़ा है और आपका इश्क छोटा, ये भी एक गुनाह है, क्योंकि पहचान नहीं थी। रास में भी प्रेम का अभिमान हो गया था क्योंकि हक की मैं नहीं थी। अब जागने के ब्रह्मांड में जो पल मिला है उस पल का सदुपयोग कीजिए। आपका एक एक पल मैं समझता हूं अरबों रुपयों से भी अधिक कीमती है। सुंदर साथ को उस मार्ग पर ले चलने के लिए मैं कृत संकल्पित हूं, इसलिए मैं इस शरीयत की दीवारों को तोड़ता हूं, मैं कठोर शब्दों में प्रहार करता हूं, मैं जानता हूं कि इस प्रहार का परिणाम क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप मुझे घृणा झेलनी पड़ती है। वैसे करोड़ उस घृणा से करोड़ों गुना मैं घृणा झेलने के लिए तैयार हूँ। यदि समय सुंदर साथ हकीकत की राह पर चलकर यहाँ बैठे बैठे उस लाभ को ले ले जो जिसके लिए खेल बना है, तो ये सारा ब्रह्मांड यदि मेरे ऊपर पत्थर फेंकेगा तो भी मैं मुस्कुराता रहूँगा और मैं अंतिम सांस तक प्रयास करूँगा कि सबके दृष्टि मूल मिलावे पहुँचे। यही जागनी ब्रह्मांड का मूल है और
परिक्रमा की चर्चा में मैंने बहुत कुछ कह दिया। मैं ये कहना नहीं चाहता था लेकिन अनजाने में भी मेरे मुख से निकल जाता है। मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या पड़ी है किसी का दिल दुखाने की। बेचारे शरीयत वाले खींचते रहते होंगे। मैं किसी का बुरा करने के लिए तो चर्चा नहीं करता। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो अनमोल अवसर मिला है सुंदर साथ चितवनी में डूब करके वो ले, जो परम धाम में नहीं ले सकता था, ब्रजरास में नहीं ले सकता था, देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में नहीं ले सकता था, छठे दिन के लीला में सभी संसाधनों के साथ राज्य दे रहे हैं। और सच कहूं तो आज जो आपके पास सुंदर सुंदर नक्शे हैं, चर्चने की वृत्तियां हैं, बार बार दबाव दिया जा रहा है, यह सौभाग्य तो आज से 300 वर्ष पहले भी नहीं मिल पाया था। स्वयं महाराजा छत्रसाल जिनको अमीरुल मोमिनीन की शोभा मिली, उनके द्वारा होने वाली जागरणी लीला में भी ये संसाधन थे नहीं, तो छत्रसाल जी क्या करते। इसलिए याद रखिए सुंदर साहब जी, यदि आपने इस जागरणी की वेला में चरम लक्ष्य को पाने के लिए कदम नहीं बढ़ाया तो मेरी दृष्टि तो क्या राज्य के न्याय के समय आपके आंसुओं को कोई पूछने वाला नहीं होगा और ये आंसू हमेशा के लिए अखंड रह जाएंगे। इसलिए कोई आगे कोई पीछे, इस लेसी सब को पहले इस जिन लिया सोई सो।